नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को अब यूपी इलेक्शन में रणनीतिकार बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि अब झारखंड से आरपीएन सिंह को निकाल कर यूपी में लाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दाव हो सकता है? देखिए बिल्कुल महिमा, अगर बात करें कि आरपीएन सिंह की बात कर रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से उनको लाया गया है, क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति यूपी में देखें तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि उनकी हालत किस तरह से बद से बदतर होती चली जा रही है। यूपी में कोई बड़े नाम नहीं है यूपी से कांग्रेस के पास में, कोई जो बात कहें कि राजनीतिक जो संगठन होता है ज़मीनी स्तर पर, जो नेता होते हैं वो नदारद हैं। ऐसे में चुनाव से एन वक्त पहले यानी यूपी में अगर देखें तो 2022 की शुरुआत में यानी कि फरवरी मार्च या इस तरह के महीनों में चुनाव वहाँ पर हो सकते हैं, उससे ठीक पहले जिस तरह से आरपीएन सिंह को लेकर आया गया है या उनको लेकर आने की चर्चा जिस तरह चल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके आने से स्थिति नहीं बदलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको ज़मीनी स्तर पर आना पड़ेगा, चाहे किसी भी लेवल पर काम करना पड़े उनको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो गिने चुने नेता हैं और जो खासकर रह गए गिने चुने, वो भी नदारद रहते हैं जो है तमाम राज्यों में से, और जब इलेक्शन आते हैं तो वो निकल कर सामने आ जाते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन कोई एक दिन में आप नहीं बना सकते, एक दिन में आप चुनाव को अपने हक में लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए लगातार आपको रणनीति बनानी पड़ती है और तरीके से आपको चलना पड़ता है। राज्य में जो ज़िले हैं उनकी तहसील हैं और जो ब्लॉक स्तर पर हैं गांव स्तर पर हैं, आपको अपने नेताओं को तैयार करना पड़ता है, एक संगठन मजबूत करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर पार्टी मजबूत होती हुई नज़र आती है। लेकिन कांग्रेस में अगर देखें तो जो लोग उनके साथ हैं भी वो भी उनसे छिटकते चले जा रहे हैं, चाहे जतिन प्रसाद की बात करें यूपी में या और बड़े चेहरों की बात करें, वो लगातार कांग्रेस से दामन छुड़ा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चाहे वो आरपीएन सिंह हो या कोई और नाम हो, अगर वो यूपी में आते हैं मेरे ख्याल से यूपी कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। बिल्कुल, पार्टी की मजबूती की बात अभी हम लोग कर रहे थे तो हम देख रहे हैं झारखंड की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी मजबूत नहीं है, और यूपी में भी कांग्रेस की स्थिति या फिर कहा जाए कि पूरे नेशनल लेवल पर ही कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत ज़्यादा नहीं है। पर झारखंड के हालिया हालात को देख कर भी आरपीएन सिंह को वहाँ से हटाया जा रहा है तो झारखंड के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सफर होगा कांग्रेस। देखिए एकदम बिल्कुल, और कांग्रेस में मैंने पहले भी कह रहा हूँ गिने चुने तो नेता ही हैं और उनके ऊपर भी तमाम तरह की बातें तमाम तरह के आरोप लगते रहे, चाहे आप बात करें कि झारखंड में जो हाल देखने को मिल रहा है खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दूसरे दलों से मिल रहे हैं और लगातार उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, वो पार्टी से भी हट सकते हैं दूसरे दलों में जा सकते हैं, और झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह हैं उनसे नेता मिलते हैं लेकिन कोई उसका जो है बहुत सटीक और जो है कहें तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता और तमाम तरह की शिकायतें लोगों के जहन में रह जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से ये मामला उभरा है उसके बाद क्या आरपीएन सिंह को यहाँ पर लाकर उस मामले को ठंडा करने की कोशिश है, या वाकई जो कांग्रेस झारखंड के लोग हैं वो अब आरपीएन सिंह के साथ चलना नहीं चाहते या कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह से उनका मन मुटाव है इसलिए उनको यूपी लेकर आया जा रहा है। क्योंकि यूपी में अगर आप देखें तो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर नज़र आती है, कोई बड़े चेहरे उनके पास नहीं है। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, उसके बाद जिस तरह से नज़र आया कि अब यूपी ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि वो पुश्तैनी सीट थी वहाँ से कांग्रेस हमेशा जीतती थी, लेकिन उस सीट से भी अगर राहुल गांधी हारे हैं और जो पीएम पद का चेहरा माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्ष की तरफ से, अगर वो चुनाव वहाँ से हारे इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस को फिलहाल जो है बात करें यूपी में तो कोई बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से थोड़ी बहुत हलचलें ज़रूर नज़र आई, लेकिन वो भी उतने बड़े लेवल पर नज़र नहीं आई जिसको हम कह सकें कि हाँ यूपी में कांग्रेस बदलाव कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि झारखंड अपने आप में कांग्रेस की मुट्ठी में है, वहाँ से उनके पास 15-16 विधायक भी हैं, अगर वहाँ से भी ये सुगबुहाट आ रही है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, उनके विधायक अलहदा जाकर पार्टी में किसी और की शामिल हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा चिंता का सबब कांग्रेस के लिए है कि वो अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। रहा सवाल आरपीएन सिंह का, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उनको विशेष रणनीतिकार बनाया जा रहा है यूपी का, देखिए पद देने से और पद को हैंडल करने में दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपने किसी को बना भी दिया है तो क्या वो उस लेवल पे काम कर पाएंगे, क्या वो उस लेवल पे चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और क्या वो यूपी के बारे में बहुत जानते हैं, क्या यूपी की राजनीति को वो समझते हैं, कितने दिनों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तमाम सारे सवाल निकल कर सामने आ जाते हैं। और ऐसे वक्त में जब लगातार आपने शुरुआत में जो इस चर्चा में कहा कि कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में ही मिला जुला कर कमोबेश एक सी ही नज़र आती है, कहीं भी कांग्रेस प्लस में या बहुत ज़्यादा मजबूत ताकतवर नज़र नहीं आती, तो ये कांग्रेस का सबसे ज़्यादा कमज़ोर पहलू है। और यूपी में अगर बात करें जिसको कहा जाता है कि यूपी
जो राजनीति का हाथी है, जिस करवट जो है यूपी बैठ गया, समझो सरकार उसकी बन गई। यानी कि 80 सीटों के आसपास वहाँ पर लोकसभा चुनाव की नज़र आती हैं और वहाँ पर एक बड़ा जो है कहें कि राजनीति का जो एक बिसात है वो बिछती है। और ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस चाहती है कि यूपी से उनको कुछ सीटें प्राप्त हों या यूपी चुनाव में, यानी कि जिस तरह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी जो स्थिति है और बेहतर हो, तो उसके लिए उनको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हवा हवाई नेता निकलकर ज़मीन पर जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। अगर इसका ये भी चीज़ नहीं हुई इस बार भी, तो चाहे आरपीएन सिंह हो या कोई और हो, कमोबेश कांग्रेस की स्थिति वैसे ही रहने वाली है। क्योंकि झारखंड में हम देख चुके हैं अंतर कलह जो है कांग्रेस में वो चरम पर है। बिल्कुल, अगर आरपीएन सिंह यूपी में ट्रांसफर हो जाते हैं, रणनीतिकार बन जाते हैं, तो झारखंड में प्रभारी का पद के लिए आप किसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल कई सारे नाम इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि ये एक कोशिश हो कि जो आरपीएन सिंह है उनको वहां से हटाकर इधर लेकर आया जाए, ताकि जो विधायकों में मनमुटाव है, क्योंकि कई सारे विधायक लगातार उनसे मिलते रहे, उनसे बात करते रहे, और हो सकता है ये उसकी कोशिश हो कि वहां से हटकर उनको वहां पर ले आते हैं तो कुछ चीज़ें शांत हो जाएं, कुछ चीज़ें जो ठंडी बस्ते में चली जाएं। लेकिन क्या ये ऐसा हो पाएगा, क्या कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी, क्या कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें आ पाएंगी, कई सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ आरपीएन सिंह को झारखंड से यूपी लेकर आने का मकसद ये नहीं है कि यूपी की स्थिति में कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, आरपीएन सिंह का तबादला यूपी इलेक्शन में रणनीतिकार के तौर पे हो रहा है, तो अब देखना होगा आने वाली राजनीति झारखंड की किस करवट बैठती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।